हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम उपमा बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी ब्रेकफास्ट रेसिपी है, मगर ये घर पर अक्सर परफेक्ट बन नहीं पाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सूजी को 3 से 4 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आप बारीक वाली या मोटी वाली सूजी दोनों ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा आप थोड़ा मोटा वाला सूजी ही लें। ड्राई रोस्ट करने से ये होगा कि हमारी जो उपमा होगी वो कभी भी स्टिकी नहीं बनेगी। इसे अब हम साइड रखेंगे। उसके बाद हम पैन में 2 टेबलस्पून कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। फिर इसमें हम 1 टीस्पून जितना राई के दाने डालेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून चने की दाल को थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दिया था, उसे मैंने यहाँ पे डाला। और साथ ही यहाँ पे मैंने 15-20 कड़ी पत्तों को डाला। ये मैंने 2 टेबलस्पून के जितना हरी मटर को डाला है। आप उपमा में जो भी सब्जी आपकी पसंद की हो या आपके घर में अवेलेबल हो, आप वो सब भी डाल सकते हैं। मिनिमम अगर आपके पास मान लीजिए प्याज और टमाटर है तो आप उससे भी बना सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 मध्यम आकार की गाजर को बारीक काटा है, उसे भी डालेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ बीन्स को भी बारीक स्लाइस किया है, उसे भी इसमें मैंने डाला। और साथ ही इसमें मैंने एक छोटी साइज का कैप्सिकम लिया था, उसे भी बारीक काट के मैंने डाला है इसमें। फिर यहाँ पे मैंने टमाटर के बीजों को हटा दिया है, ये एक छोटे साइज का टमाटर है, उसे भी मैंने पैन में डाला। और ये मैंने मध्यम आकार का एक प्याज लिया है, जिसे कि मैंने बारीक चॉप किया था, उसे भी मैंने पैन में डाला। इन सभी सब्जियों को हम 2 से 3 या 4 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे थोड़ा क्रंची भी रखना चाहते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे 4-5 हरी मिर्च को बारीक काट कर डाला। लाल मिर्च हम अवॉइड ही करेंगे। हम इतनी सारी वेजीज देके उपमा बना रहे हैं, इससे ये बहुत ज्यादा हेल्दी बन जाएंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने काजू डाला। और बस कुछ देर हम इन सब्जियों को पकाएंगे। फिर हमने जितना सूजी लिया है, मान लीजिए मैंने 1 कटोरी सूजी लिया है, तो मैं उस हिसाब से इसमें 2.5 गुना पानी यानी कि 2.5 कटोरी पानी डालूंगी। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी है तो आप 2 कटोरी भी डाल सकते हैं। मैं पहले इसमें 2 कटोरी पानी डालूंगी, फिर अगर मुझे लगे कि और पानी डालना है तो मैं सूजी डालने के बाद और पानी डालूंगी। सबसे पहले पानी में अच्छा हम बॉयल आने देंगे और साथ ही इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने जो सूजी को ड्राई रोस्ट करके रखा था, हम उस सूजी को भी इस पानी में मिलाएंगे। इसमें अच्छा सा बॉयल आ चुका है, अब हम सूजी को भी इसमें ऐड कर देंगे। और अब सभी चीजों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये बहुत ही क्विक सी रेसिपी है। आप चाहें तो सूजी को ड्राई रोस्ट करके किसी कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं, तो आप इसे सुबह झटपट से फिर आराम से बना पाएंगे। मुझे इसमें थोड़ा सा पानी और डालना है, क्योंकि ये थोड़ा ड्राई लग रहा है और मैं इसे कच्चा नहीं रखने वाली हूँ, तो मैंने इसमें 1/2 कटोरी पानी और डाला। इसे थोड़ी देर और पका लेते हैं। उसके बाद इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि जो भी हमारी सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। ये आप देख सकते हैं, उपमा हमारी बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। बिल्कुल बाजार में जैसा मिलता है वैसा उपमा बनकर तैयार है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।